आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को सत सत नमन। यूँ तो गुरु गुरु जो होता है उसको उसको उससे उसके लिए अहोभाव से भरने के लिए कोई एक विशेष दिन नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे लिए हर क्षण हर उस चीज़ के लिए अहोभाव है जिसने मुझे गुरु बनकर इस जीवन में चलना सिखाया, इस जीवन में जीना सिखाया। तो सबसे पहले तो मैं उस अस्तित्व को, मेरे होने के अस्तित्व को ही गुरु मानती हूँ, क्योंकि उसने मुझे सिखाया कि हाँ मैं जीवंत हूँ। तो अस्तित्व ही मेरा सबसे पहला गुरु है, और उस अस्तित्व के प्रति मैं अहोभाव से हर क्षण भरी होती हूँ कि उसने मुझे इस जीवन में अपने लिए चुना, अपने लिए। फिर इस जीवन की यात्रा में चलते चलते मुझे मैं दो जीवित गुरु के संपर्क में भी आई, जिसे अस्तित्व ने मुझे उनके पास पहुंचाया। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी समझ तो बढ़ती है, फिर भी उसे उसे दिशा देने के लिए जीवित गुरु की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं कुछ साल पहले मैं बापूजी दशरथ भाई पटेल जो है उनसे मिली, तो उनके उनके सानिध्य में मैंने अध्यात्म की एक अलग अवस्था को पाया, जहाँ पर मेरा अस्तित्व जो है उसका मुझे गहरा एहसास हुआ। तो वहाँ से मेरा एक नया जन्म हुआ, यूँ जो शारीरिक तल पे नहीं था, जो मानसिक तल पे नहीं था, जो चेतना के तल पे था। तो सबसे पहले तो मैं उस गुरु को सत 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 नमन करती हूँ, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसे गुरु के का सानिध्य मिला। यूँ तो मैं उनके साथ शारीरिक रूप में बहुत ज़्यादा नहीं रह पाई, क्योंकि वहाँ ऐसा अलाउ नहीं था, पर उनके साथ एक अलग सा ही संबंध था, जो वो शरीर से तो पास कभी नहीं थे, लेकिन हर क्षण मुझे अपने साथ महसूस होते थे और होते हैं अभी भी, कि वो मुझे हर क्षण मेरे साथ हैं और मुझे सहयोग कर रहे हैं अपनी यात्रा करने में। वो हमेशा से मैं उनके उन्हें प्रेम करती थी और करती रहूँगी। उसके बाद जब ये नया जन्म हुआ मेरा, तो तब भी मुझे पता नहीं था कि मुझे अब आगे करना क्या है। तब मुझे मेरी मुलाकात एक दूसरे गुरु से हुई, जो जो कि स्वामी शशांक आनंद, स्वामी शशांक सखा कहते हैं सब उन्हें। उनसे जब मैं मिली तो उन्होंने एक तरह से मेरे जो जन्म है उसकी पालना की, मेरा जो नया जन्म है उसकी पालना की, और मुझे बताया, मुझे चलना सिखाया कि कैसे मैं इस नए जन्म की यात्रा को आगे बढ़ाऊं। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, उनके इनके साथ मैं मुझे अस्तित्व ने मौका दिया रहने का, और मैं रही साथ में 2 दिन मैंने रही। तो तब मैंने जाना कि जीवित गुरु के साथ हम बिना कुछ किए, बिना बातें किए भी बस साथ रहते, देखते देखते उनको निहारते ही बहुत कुछ जान जाते हैं, बहुत कुछ सीख जाते हैं, अगर हम उनकी गहराइयों को देखना देख सके तो। तो कहने को तो बहुत बातें हैं उनके लिए, लेकिन फिर कभी मैं बताऊंगी। तो सखा, मैं उन्हें प्यार से पा भी कहती हूँ, और प्यार से बहुत, कभी वो मुझे अपने पिता जैसे लगते हैं, कभी गुरु जैसे लगते हैं, कभी दोस्त जैसे लगते हैं। तो उनको भी मेरा सत सत नमन, और कहने को बहुत कुछ है पर क्या कहूँ, बस इतना ही कि मुझे बस इस बात का अहोभाव है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे प्यारे गुरु मिले, ऐसे प्यारे जीवंत जीवित गुरु मिले। और रही बात बाकी, और वैसे तो हर क्षण जो भी जिस चीज़ से भी मैं मुझे सीखने को मिलता है, मुझे इस जीवन को की गहराई का पता चलता है, वो हर हर व्यक्ति हर चीज़
मेरे मेरा गुरु है, और पूरे अस्तित्व को मैं इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सत सत नमन करती हूँ।